हेलो गाइस, मैं हूँ अचिन रेक्सवाल और आज की व्लॉगिंग हमारी मसूरी की है। आज हम मसूरी निकल रहे हैं। अभी मैं अपने घर पे ही हूँ। 3 बज चुके हैं। आज की डेट है 20 तारीख है आज, और अभी मसूरी निकलते हैं 3 बजे। वैसे काफ़ी लेट हो चुके हैं। सुबह 10 बजे निकलना था और सुबह 10 से अब 3 बज चुके हैं। अब निकल रहे हैं। अभी पेट्रोल भी लेना है, CNG भी लेनी है। अभी टाइम उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा और फिर देखते हैं, निकलते हैं, फिर आगे अपडेट देते हैं आपको। तो गाइस, अब पेट्रोल ले चुके हैं अभी पेट्रोल पंप पे। अभी इधर CNG पंप है, CNG और लेनी है और फिर चलते हैं आगे। अभी नेविगेट करके फिर देखते हैं कौन सा रूट बेस्ट रहेगा, वो रूट लेना है। और अभी टायर प्रेशर चेक करा रहे हैं, 27-27 करा रहे हैं सब में, ताकि इसमें ज़्यादा वजन नहीं होता ना। जिप्सी में तो 27-27 बेस्ट रहता है इसके लिए। नॉर्मल गाड़ियों में 33 PSI रहता है, इसमें मैंने 27-27 करा रखा है। फ़ोन मेरा फ्लाइट मोड पे है अभी, क्योंकि CNG पंप पे खड़े हुए हैं। और अभी इन दो कार के बाद मेरे दोनों वैगन आ रहे हैं, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, और इनके बाद अपना नंबर है। और वहाँ पे देखो इनका कहीं भी खड़े हुए और फोटोशूट चालू हो जाता है। मसूरी पहुँचे नहीं है, यहीं मसूरी बनाने लगे। मीटर देखियो। तो गाइस, पेट्रोल भी ले चुके हैं, टायर प्रेशर भी चेक करा चुके हैं और अभी CNG ले रहे हैं। CNG लेने के बाद फिर हम चलेंगे, फिर सीधा निकलेंगे और फिर जहाँ पे भी हम रुकेंगे फिर वहाँ पे आपको ब्लॉक करके मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा। अभी CNG लेते हैं, फिर चलते हैं। फुल करा, कितने की नहीं होती यहाँ पे, सीधा फुल होती है। ये CNG ली जा रही है। सिलेंडर में नट नहीं था तो वो नट लगवाया है। अभी उस नट में एक क्या कहते हैं वार्सर सील होती है, वो सील डलवा के अभी वो नट लगवाया है। तो अभी जो गैस डलवाई थी वो 3 सिलेंडर में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अभी दोबारा से गैस ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी कम गैस आई थी, वहाँ पे प्रेशर भी काफ़ी लो था। अभी दोबारा से सराय कालेखा पहुँचे हैं, लगभग 12-1 बज जाएंगे आज हमें तो मसूरी पहुँचने में। देखते हैं, निकल तो चुके हैं, पहुँच तो जाएंगे। और अभी कितनी गाड़ी रह रही है देखिए मनोहर,
पांचवी हमारी छठी अभी छठी हमारी कितने बारी में नंबर तीसरी बारी में आएगा अभी भी तो भाई हमसे आगे पांच गाड़ी और है छठी गाड़ी में आएगा और चलो तो आगे चलते हैं थोड़ा लेते हैं सीएनजी और फिर आगे मिलते हैं अभी चाय पानी के लिए तो अब रुकना है नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो चुका है अब डायरेक्ट डिनर के लिए भी देखते हैं क्या सीन है हाँ बस अभी सीधा गाड़ी लगानी है अगर सही टाइम पे पहुंच गए मसूरी ऐसे लग तो रहा नहीं है आज मनोहर ने बहुत लेट कराए हैं हम किस टाइम पहुंच गए थे घर 12 बजे हम पहुंच गए थे 2 बजे आया है 12 क्या जल्दी पहुंच गए 11 बजे हम घर पहुंच गए थे ये मेरे घर पे 2 बजे आया है हमने जाके गाड़ी साफ की है 12 से 11 आ गया पर मैं 2 ही बजे पैकिंग वकिंग करी और रगड़म सगड़म इतना काम किया इसका एक इतना सा 1.1% का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हमारे साथ अभी गाड़ी देख के मैं आ रहा हूँ कि कितनी गाड़ी आगे लगी मेरे पीछे पीछे मैं भी था मैं जा रहा है मेरा जो बनता है 4 लाख मेरे को भी मैं जा रहा हूँ 4 लाख मैं घर जा रहा हूँ 2000 मिल दिए तुम निकल रोहित और इसके पैसे अपने पैसे ले और इसके पैसे ले और इसे भेज यहाँ से इसे अब तू नहीं बैठेगा मेट्रो में ये मेट्रो में बैठेगा निकाल भाई रुड़की आ चुके हैं और अभी पेट्रोल ले रहे हैं रिलायंस पे और टाइम हो रहा है अभी करीबन 7-8 बजने वाले हैं 7:40-7:45 का टाइम हो रहा है और रुड़की आ चुके हैं पेट्रोल ले रहे हैं पेट्रोल फिर आगे रेट बढ़ते जाएंगे तो इसलिए अभी पेट्रोल ले लेते हैं और सीएनजी है अभी अपने पास बट अब आगे सीएनजी मिलने वाली है नहीं अब वापसी में जब मुजफ्फरनगर पहुँचेंगे दिल्ली जब जाएंगे जब मुजफ्फरनगर पहुँचेंगे तभी सीएनजी लेंगे अभी है सीएनजी देखते हैं शायद वापसी आते टाइम तक भी बच जाए चाबी ले ले और दे दो उनको और चलते हैं अभी अब सीधा पहले हम मसूरी जा रहे थे मसूरी का कैंसिल हो चुका है क्योंकि अभी काफ़ी 8 यहाँ पे बच चुके हैं और अभी करीबन 115 किलोमीटर है मसूरी तो अभी हरिद्वार या ऋषिकेश स्टे करते हैं देखते हैं होटल वगैरह वहाँ पर बुक करते हैं फिर चलते हैं आगे फिर न कल गंगा जी में स्नान करके और फिर सुबह सुबह निकलते हैं मसूरी के लिए बैक मार रहा है यार इसमें बैक की बहुत प्रॉब्लम है बैक मार रहा है हाँ यार चला भी ली कितनी चलाई मैंने पेट्रोल में फिर भी अंदर मत करो बिल्कुल इस पर बाहर से ही डालो